हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है अभिषेक दवड़। अभिषेक इज फाइटिंग द महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस इलेक्शंस विच आर हैपनिंग राइट नाउ। अभिषेक इज फाइटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले अभिषेक, यू वेलकम एट आवर शो। थैंक यू सो मच अमर। अभिषेक, मुझे सबसे पहले बताइए कि यूथ कांग्रेस क्या है? सो यूथ कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इट गोज बैक A lot of years, कम से कम 60-70 साल पुरानी एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हमारी यूथ कांग्रेस में हमारा रोल रहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को हम जोड़े, हमारी पार्टी के साथ जोड़े, हमारी विचारधारा के साथ जोड़े और कहीं पर भी उन्हें समस्याएं दिक्कतें आती है या उनके कोई मुद्दे हैं उन्हें हम रेस करें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं भाई, इनके बारे में कुछ थोड़ा हमें बताएं। सो इलेक्शंस जो है, दिस इज फेयरली न्यू। इसके पहले इलेक्शंस नहीं होते थे लेकिन 8-10 सालों से इलेक्शंस होना शुरू हो गए हैं और दिस इज द फोर्थ इलेक्शन। और इस इलेक्शन में मेन हमारा मुद्दा रहता है मेंबर्स को एनरोल करवाना। जो मैंने आपको कहा, जो ड्यूटी रहती है हमारी कि लोग जितना हो सकते उतना लोगों को हम जोड़े हमारे साथ। इस इलेक्शन में स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट है वो और असेंबली प्रेसिडेंट, इन चार पोस्ट के लिए वोटिंग होती है। So, इसका भी उन्होंने प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रखा है। इसके पहले फिजिकल फॉर्म्स हुआ करते थे और अभी पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन कर दिया है एंड वी एनकरेज पीपल टू वोट एंड बिकम मेंबर्स। तो आप जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए यू आर फाइटिंग दीज इलेक्शंस, तो इसमें कौन कौन वोट कर सकता है और कैसे वोट कर सकते हैं? सो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 18 से 35 के एज ग्रुप में रहे। सिंस महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं तो द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र। बस ये दो इसमें क्राइटेरिया है और इसमें और कोई रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया नहीं है। बस ये है कि आपको 50 rupees की मेंबरशिप की फी लगती है जो आपको भरनी पड़ती है ड्यूरिंग मेंबरशिप और 3 साल के लिए वैलिड होती है। तो और कैसे वोट कर पाएंगे अगर किसी को वोट करना है? तो सपोज अगर मुझे आपको वोट करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? सो आपको विथ IYC करके एक ऐप है जो गूगल के प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप मेंबर भी बन सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। हम लोग यूथ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभिषेक, आप एक यंग पॉलिटिशियन है, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है कि यंगस्टर्स सामने आए, दे टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि वो लोग सामने आए एंड हाउ कैन दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अ चेंज दैट वे? सो बेसिकली अगर हम देखें तो लोगों का ऐसा बोलना रहता है कि पॉलिटिक्स में यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है करके। जब ऐसा कोई कहता है सो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यूथ की हो। जब कोई यूथ इलेक्टेड बॉडी में जाता है तो वो यूथ की आवाज बनता है। आज महाराष्ट्र में जो यूथ पॉलिटिशियंस की जब हम बात करते हैं तो कोल्हापुर के ऋतुराज पाटिल जी हो गए या मुंबई के जीशान सिद्दीकी जी हो गए और ऐसे अनेक दूसरे पार्टीज में भी ऐसे MLAs या MPs है। सो इस चीज की वजह से आज महाराष्ट्र में यूथ की जो आवाज है वो बुलंद होती जा रही है और अगर ऐसा ही सिलसिला बनता रहे तो यूथ के पास हमेशा एक आवाज रहेगी और द यूथ कैन ऑलवेज बी अ फोर्स। कुछ सालों में, पिछले 5-10 सालों में जो है माहौल था एकदम जो कांग्रेस का, वो द फॉर्चून्स हैव डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स इन द स्टेट और इन द यू नो सेंटर पे आप देखें, तो क्या आपको लगता है कि यूथ कांग्रेस जो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस जो है, हाउ कैन इट हेल्प? कुछ मतलब ऑन ग्राउंड वर्क जो है या किसी भी तरीके से कैन यूथ कांग्रेस हेल्प इन रिवाइविंग दोस फॉर्चून्स टू सम एक्सटेंट? फॉर श्योर यूथ कांग्रेस, जैसे मैंने कहा कि एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है और अगर हम अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो वो हर पार्टी के अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अभी अगर हम देखें तो ठीक है कि कांग्रेस ने इससे बेहतर दिन देखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस दोबारा उस स्तर पर नहीं पहुंच सकती है। सो हमें पूरा विश्वास है, आज हम ऐसी स्थिति में है कि यूथ जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं पॉलिटिक्स के साथ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में और कहीं ना कहीं अगर हमको लगता है कि अगर पार्टी पीछे चली गई है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पार्टी वर्कर्स की बनती है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसे दूर करें, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व करें लोगों को, क्या हो रहा है, उनके जो मुद्दे हैं उनका निराकरण करें और इस तरीके से हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं। जब तक हम लोगों से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकाल पाएंगे, तब तक
पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। और आज हर जगह हमारा फोकस यही है और मैं जानता हूं कि दोबारा कांग्रेस के काफी अच्छे दिन आने वाले हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए यू आर फाइटिंग दिस इलेक्शंस, इन जनरल अगर आप हम आपसे पूछे कि अगर आप इफ यू विन दिस इलेक्शंस एंड यू नो आवर बेस्ट विशेस विद यू फॉर दैट, इफ यू विन दिस इलेक्शंस इन जनरल व्हाट वुड यू लाइक टू डू? सो एक जनरल सेक्रेटरी का रोल काफी ब्रॉड होता है। सो उसमें ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज भी होती है और मेनली जैसे मैंने इसके पहले कहा कि लोगों को साथ में जोड़ना और जहां हो सकता है वहां पर जो हमारे हमारा जो यूथ है उनके मुद्दे उठाना, और बस यूथ तक ही हमारी भूमिका सीमित नहीं होती है, हम बाकी सारे मुद्दों पर भी हमारी एक फोर्स रहती है जो हम लगाते हैं उस चीज के पीछे, उस मुद्दे को ताकत देते हैं। जैसे आज के दौर में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई के खिलाफ जैसे आवाज उठाना, महंगाई का जो नुकसान है वो एक आम आदमी को होता है और जिसमें एज नहीं देखते हैं, एक छोटे बच्चे को भी उसका नुकसान हो सकता है, एक युवा इंसान को भी उसका नुकसान हो सकता है, या एक रिटायर्ड आदमी को भी उसका नुकसान होता है। तो इन सबकी आवाज बनकर यूथ कांग्रेस जो है हम उस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि स्टेट में पर्टिकुलरली हमारे शहर में भी कांग्रेस लीडर्स के बीच में काफी इनफाइटिंग रही है, चर्चे आते हैं, पता चलता है, खबरों में हम लोग देखते हैं। अब जितने हमारे पुराने लीडर्स हैं कांग्रेस के, उन्हीं के बच्चे हैं जो यूथ कांग्रेस में आ रहे हैं और पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, तो क्या ये इनफाइटिंग ये दूसरी जनरेशन में भी चलेगी क्या, या आपको लगता है कि ये चेंज होगा? अभी देखिए इनफाइटिंग जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, चाहे वो कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, शिवसेना रहे, हर पार्टी में इनफाइटिंग होती ही है। और जब हम सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियंस की अगर बात करें तो अगर हम इस यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस की भी अगर बात करें तो यहाँ पर बस सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियंस ही नहीं लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता और उनसे जुड़े हुए लोग भी है और एक समानता जो हम कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम जो है पार्टी देना चाहती है कि सब इलेक्शंस कंटेस्ट करें और फिर अपना जो भी पद है उसे ग्रहण करें। आपने जैसे कहा कि क्या ये इनफाइटिंग कंटिन्यू होगी, सो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इनफाइटिंग ऐसी कंटिन्यू होगी क्योंकि जो हमारी जो पीढ़ी है वो सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखती है और संगठन को मजबूत करने के लिए ही हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस एट डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। 12 तारीख के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 तारीख तक के कोई वोट अगर डालना चाहे तो 12 दिसंबर तक के वोट डाल सकते हैं। 12 नवंबर से शुरुआत हो चुकी थी इस मुहिम की और वो 12 दिसंबर तक शुरू होगी। Thank you so much, Abhishek. We wish you all the best for the elections and I really hope that you get selected because we need young leaders like you in the power. Thank you so much. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.